एनडीए को जब जेडीयू ने अपने समर्थन की बात कही उसी दौरान एक घटना भी घटी। इस घटना पर सबकी नजर थी, सबने अपने अपने अंदाज में इसका विश्लेषण किया। नमस्कार प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। जेडीयू ने जब एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि जेडीयू बीजेपी को समर्थन देगी, वो एनडीए में रहेगी और बार बार इस बात का वो विश्वास दिलाते रहे कि अब कहीं नहीं जाना, और अपने भाषण के बाद नीतीश कुमार जब जाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के पांव छू लेते हैं, इसे लेकर दो धड़े में लोग बटे हुए थे। सबकी अपनी अपनी राय थी, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ये लिखा कि राजनीतिक दृष्टिकोण से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मोदी का पैर नहीं छूना चाहिए था। लेकिन आपको बता दूं कि नीतीश कुमार से बड़े हैं प्रधानमंत्री मोदी, चाहे ये इज्जत देने की बात हो या फिर राजनीतिक ऊंचाई को मानने की बात। खैर, अब इस घटना को लेकर प्रशांत किशोर ने निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अभी दो दिन पहले, आप पांच दिन पहले देखे होंगे, मीडिया कह रहा है कि नीतीश के हाथ में ही पूरा भारत सरकार का कमान है, नीतीश जी अगर न चाहे तो देश में सरकार नहीं बनेगी। कितना ताकत है नीतीश कुमार के हाथ में? नीतीश कुमार ने उस ताकत के एवज में क्या मांगा? आज के बच्चों के लिए रोजगार नहीं मांगा, यहाँ चीनी की फैक्ट्री चालू हो जाए ये नहीं मांगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए नहीं मांगा। क्या मांगा? कि 25 के बाद भी नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे, भाजपा लगातार ने सब पूरा राज्य के आदमी का इज्जत बेच दिया। 13 करोड़ आदमी का जो नेता है, हम लोग का अभिमान है, सम्मान है, पूरे देश के सामने झुक के पैर छू रहा है ये आदमी मुख्यमंत्री बने रहने के। लोग कहते हैं कि भैया आपने तो नीतीश का मदद किए थे 2014 में, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार, आप ही तो कहे थे, अब चाहे विरोध कर रहे हैं, इसीलिए विरोध कर रहे हैं। 14 के नीतीश कुमार और 24 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 14 में नीतीश कुमार ने मोदी के सामने झुक के पैर नहीं छुआ था, 14 के नीतीश कुमार ने अपना जमीन नहीं बेचा था, अभी वो आदमी मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार। प्रशांत किशोर के इस बयान के काफी अब मायने हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि 2 अक्टूबर को वो एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, यानी कि जो जनसुराज थी वो अब जनसुराज पार्टी हो जाएगी और विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर उनके उम्मीदवार चुनाव में उतरने वाले हैं। ऐसे में अब प्रशांत किशोर के बयान को सिर्फ रणनीतिकार, चुनावी रणनीतिकार के बयान के तौर पर आप मत देखिए, बल्कि अब एक राजनेता के तौर पर भी देखिए, जिनका बिहार की राजनीति में पदार्पण होने वाला है और जो बिहार की राजनीति में अब अपनी बयानों से लगातार विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।